नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एडमिट कार्ड 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, यानी कि अभी अभी आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो किस तरीके से आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कब से कब तक आपको एग्जाम होने वाला है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, रिपोर्टिंग टाइम कब से रहने वाला है, तमाम जानकारी इसमें बताया गया है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बिहार हेल्प के ऑफिशियली आप वेबसाइट पे चलेंगे डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे। और यहाँ पे आएंगे तो देखने को मिल जाएगा आपको एडमिट कार्ड का एक सेक्शन, इस पे आपको देखेंगे तो फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार आईटीआई एडमिट कार्ड 2024 का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले आर्टिकल पे चलेंगे जहाँ पे पूरी जानकारी बताया गया इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, जो कि देख सकते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड यानी 28 मई 2024 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे बिहार आईटीआई एडमिट कार्ड 2024 को जारी कर दिया गया, यानी जो भी आज 28 मई है, जो कि अभी अभी आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। और इसको लेकर जो भी एग्जाम जो डेट रखा गया है 9 जून 2024 को रखा गया, जो कि देख सकते हैं अलग अलग प्रकार बताया गया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं बिहार आईटीआई एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा जो कि देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आपको दो तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको लॉग इन करने के लिए, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो जो भी आपको याद है आप अपने यहाँ से ईमेल आईडी पासवर्ड के माध्यम से कैप्चा डालकर साइन इन करिएगा, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर याद है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको इसमें चूज करके उसमें लॉग इन करिएगा। अब जैसे लॉग इन करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहां पर देखने को मिल जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखलाया जा रहा है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन दिखलाया जा रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिखलाया जा रहा है, फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ, उस बाद जो भी आपका प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे को देखें तो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तमाम जानकारी बताया गया जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपके डिस्प्ले पर हो जाएगा, ओपन एड्रेस वगैरह दिया गया, आपका सिग्नेचर वगैरह और कहाँ पे आपका एग्जाम पड़ा है उसका दिया गया, और उसके बाद सेंटर कोड भी दिया गया। और रिपोर्टिंग टाइप की बात करें जो कि देख सकते हैं 9 जून 2024 को 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइप है सुबह में, अभ्यर्थी के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया। तो अच्छी तरह से आपको जो भी दिशा निर्देश दिया गया अच्छी तरह से आपको फॉलो लेना है जो भी जानकारी इसमें दिया गया, और यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम भी दिया गया और सिग्नेचर वगैरह जो भी आपको करना है उसी दिन करिएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर पर जाकर वहीं पे करना है ताकि अच्छे रहेगा, पहले ही आप नोट करिएगा ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा वीक्षक का भी सिग्नेचर वगैरह होगा, तो जो भी इसमें दिशा निर्देश दिया गया एक बार आपको पढ़ लेना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।